हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और यहाँ पे पॉलीनोमियल्स हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि पॉलीनोमियल्स के लेक्चर्स मैंने काफ़ी सारे अपलोड कर दिए हैं और भी चैप्टर्स अपलोड करने वाला हूँ और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। पसंद आते हैं लेक्चर्स तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने कुछ आइडेंटिटीज नहीं बनाई थी और मैंने आपको कहा भी था कि अब इसको आप एज अ आइडेंटिटी यूज करने वाले हो। कि दो आइडेंटिटी हमने बनाई थी, एक थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दूसरी थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपको याद होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में क्या था, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या था, एक्स माइनस वाई, और उसके बाद हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आपको याद रखने में काफी दिक्कत आएगी क्योंकि प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है। तो देखो हमेशा याद रखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में पहली टर्म तो जो ओरिजिनल साइन आ रही है वही है, लेकिन दूसरे टर्म में यहाँ पे माइनस आ रहा है प्लस वाले में। माइनस वाले में पहले तो वो ओरिजिनल है ही, लेकिन दूसरे टर्म में यहाँ पे प्लस आ रहा है। ये सिंपल सा लॉजिक है इसको याद रखने का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी तो ओपन करो क्वेश्चन नंबर 10, जहां पे कहा गया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। और हिंट में देखो नीचे लिखा हुआ है सी क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, दैट मींस हमें इनको एज अ आइडेंटिटी यूज करनी है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन, 27y³ एंड प्लस 125z³। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ भी इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, हिंट की भी जरूरत नहीं, एग्जाम में हिंट नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स प्लस वाई होल क्यूब ये दोनों अलग चीज है, ये दोनों आइडेंटिटी अलग है, ठीक है। तो मिक्स एंड मर्ज मत कर देना। हमने इससे पहले ये वाली आइडेंटिटी को अच्छे से देखा था, इसके फैक्टराइजेशन एक्सपांडेड फॉर्म सब कुछ हमने देख लिया था। अब हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी का देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी ये दोनों में से है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे इस तरह की टर्म्स दी जाएगी। जब आपको इस तरह के टर्म्स, मतलब क्यूब इंडिविजुअली नहीं होगा, पूरी ब्रैकेट लगा के बताया होगा। आपको शायद याद होगा 2a - b होल क्यूब ऐसे करके क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन में फर्क है ना, क्यूब यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट को दिया हुआ है, तो समझ में आपको इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे अलग से दिया है तो ये आइडेंटिटी नहीं यूज होगी, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आइडेंटिटी यूज करनी है तो इसमें भी दो है, कौन सी, पहली या दूसरी। तो ये तो बहुत ईजी है, पहली यूज करनी है क्योंकि प्लस की साइन है। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है और वाई क्यूब है, तो क्वेश्चन में सॉरी आइडेंटिटी में हमारे पास एक्स है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 27y³ है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3y³। क्या लिख सकते हो, 3y। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी में हमारे पास x है और क्वेश्चन में 27y³ है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। तो आइडेंटिटी में x और क्वेश्चन में हो जाता है 3y। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख के बता देता हूं, 3y³ प्लस 5z³। देखो आप समझ में आया, एक्स क्यूब तो x, आइडेंटिटी में x और क्वेश्चन में 3y, आइडेंटिटी में y, क्वेश्चन में 5z। अब ये चीज जब आपने कर ली तो अब आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो इसको हम एक्सपांड किस तरह से कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, 3y + 5z। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा एक्स और वाई है उसको हमने ऐड कर दिया, तो आइडेंटिटी में ये है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो 3y² तो ऐसे लिखेंगे, 3y² ठीक है। और यहां पर हम ब्रैकेट को अभी स्क्वायर ब्रैकेट में कर रहे हैं, उसके बाद माइनस की साइन है, फिर एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब 3y और 5z का मल्टीप्लिकेशन, तो 3y और 5z का मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या है, प्लस वाई स्क्वायर, दैट मींस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। ओके, सो इसको हम इरेज कर देते हैं यहां से। चलो अभी समझ में आया, अब हम इसको नीचे लिखते हैं, तो 3y प्लस 5z हो गया, एंड देन हमें क्या पूछा है, 3y होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 9y² का स्क्वायर तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3y = 15 yz, ठीक है, प्लस 5z² दैट मींस 25z², क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे आपका इसका जो फैक्टराइजेशन है हो गया आइडेंटिटी का यूज करके।
ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, दो ही क्वेश्चन दिए हुए, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ हियर कम्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखना है तो भाई फॉर्मूला यही आइडेंटिटी है, कौन सी है अभी माइनस वाली है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 8 8 64 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है, क्यूब, क्यूब परफेक्ट क्यूब, 64 किसका है, परफेक्ट क्यूब 4 का है, तो 4m होल क्यूब माइनस 343 तो किसका है, 7 7 49 49 7 343, तो क्या लिखेंगे 7n होल क्यूब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आइडेंटिटी में x है, क्वेश्चन में 4m है, आइडेंटिटी में y है, क्वेश्चन में 7n है, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो माइनस के हिसाब से अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं, तो सबसे पहले x माइनस y लिखते हैं, तो x माइनस y क्या होता है, तो 4m माइनस 7n होता है, ठीक है। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ ये माइनस नहीं, मैंने डैश किया हुआ था, तो एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, तो अभी हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो 4m होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 4m और 7n का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि x और y का मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास x और y क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तो 4m का और 7n का मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस करके y स्क्वायर करेंगे, तो दैट मीन 7n का स्क्वायर, तो इसी के साथ हमारा ये हो जाता है। तो अब देखो आगे हम सॉल्व करते हैं, तो 4m माइनस 7n एज इट इज आएगा, इसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट ये इसमें क्या होगा, 16m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 4 28 mn, फिर प्लस 7n दैट मींस 49n स्क्वायर, ठीक, दैट्स इट, समझ में आया। माइनस वाले में सारी अंदर की टर्म्स प्लस आती है और ये बाहर माइनस रहती है, बस इतना ही आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना है, ठीक है। इससे ज्यादा फैक्टराइजेशन होगा क्या भाई, इसको मल्टीप्लाई करने का बोल देंगे, लेकिन जनरली नहीं किया जाता है और यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। समझ में आ गया आपको, काफी इजी था क्वेश्चन नंबर 10, काफी इजी तरीके से, अगर आपको ये आइडेंटिटीज समझ में आ जाती है ना कि इसको किस तरह से इसके साथ आपको खेलना है, तो आपको ये सारे सम्स एक गेम की तरह लगेंगे। समझ में आया, ये आपके चीट कोड्स है ऐसा आप बोल सकते हो, क्लियर। तो अगर उस लेक्चर समझ में आया है तो भाई अपने दोस्तों को आप शेयर जरूर से कर देना। और हाँ, तो यहां पे अगर लेक्चर आपको समझ में आया है, आया ही होगा, तो यहां पे अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, अपने क्लासमेट, आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं, उनको अगर ये टॉपिक में डाउट लगता है, आपको पूछ के परेशान करते, तो उनको शेयर कर दो, उनको बता दो कि यार यहां से आपने सीखा है और तुम भी सीख लो, ठीक है ना। तो पसंद आए तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को, जिसको शेयर करना चाहो कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।